21,000 का एक आम और 2,70,000 रुपये का एक किलो। सुनने में जरूर आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। पूर्णिया में पूर्व विधायक कामरेड अजीत सरकार के घर में ये खास और अनोखा आम का पेड़ है, जिसका फल विश्व में सबसे महंगा माना जाता है। लाल रंग के इस आम का जापानी नाम है तायो नो तमागो, जिसका भारत में मियाजाकी आम के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व का सबसे महंगा आम है। आम के पेड़ के मालिक और पूर्व विधायक अजीत सरकार के दामाद विकास दास कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ये आम 21,000 रुपये पीस और 2,70,000 रुपये किलो तक बिका है। यह आम एक तो 30 साल से मेरे यहाँ है और इसका मिलता जुलता आम यहाँ पर हमने अभी तक देखा नहीं कभी। अभी मीडिया चैनल के माध्यम से पता चला ये आम जापान का किसी नाम से प्रचलित है, जापान का ये आम होता है और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, ये मुझे अभी पता चला इसकी खासियत। और इसकी खासियत तो हम लोग को 30 साल से ऐसे ही पता था कि ये लोग यह काम हम लोग कभी तोड़ते नहीं थे, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए हम लोग रखते थे कि इसका खूबसूरती इसका ख़राब नहीं हो जाए, इसीलिए काम अभी हम लोग तोड़ते नहीं थे। विकास दास कहते हैं कि आम की सुरक्षा के लिए हमने CCTV कैमरा और केयरटेकर एज रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये आम लाल रंग का होता है और आम में जिस भाग में सूर्य की रोशनी पड़ती है वह भाग लाल हो जाता है। इस आम का मंजर सुनहरा होता है, जो काफी आकर्षक दिखता है। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें भी इस आम की कीमत और खासियत पता नहीं था। जो हमने जो देखा है कि इस आम के साथ उस आम के साथ पूरा मिलन है, मिलन के बाद है कि इसमें अगर धूप नहीं गिरता है तो ये आम हरा ही रहेगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो हरा है, जैसे कि मियागो इधर हरा है, जैसे कि मायो नो तमागो में, हाँ उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह इसका सारा चीज नेचर मिलता है। इसका मंजर जो है वो गोल्डन कलर का होता है, वैसा मंजर आपको कभी दिखेगा भी नहीं, स्वाद के साथ, हाँ कभी आपको देखना होगा। स्वाद इसका वहाँ की दुर्गंधी अलग है, जो आम आम से आता है उससे ज्यादा आता है, इसका टेस्ट भी उसका डिफरेंट है। 30 साल पहले किसी ने अजीत सरकार की बेटी को ये आम का पौधा तोहफे के रूप में दिया था, जिसको उन लोगों ने अपने घर के दरवाजे पर ही लगा दिया। मैंने 25-30 साल हो गया इस पेड़ का लगाया, नहीं थी किसी ने गिफ्ट किया था, बाहर से कोई आए हुए थे, अच्छा। उन्होंने गिफ्ट दिया थे ये पेड़। तो आपकी पत्नी को? हाँ जी, उनको गिफ्ट किया था। रीमा सरकार को इसने गिफ्ट किया। उन्होंने कहा कि जब उसने गूगल और अन्य जगहों पर इस आम के बारे में पता किया तब उन्हें इसकी खासियत के बारे में पता चला। वहीं आम की सुरक्षा में लगे केयर टेकर चंदन दास का कहना है कि ये आम खाने में काफी स्वादिष्ट होता है। इस आम में अनानास और नारियल का भी स्वाद आता है। बता दें कि मियाजाकी आम की पैदावार मुख्य रूप से जापान में होती है। यह आम जापान के क्यूशु प्रांत की मियाजाकी शहर में उगाया जाता है। इसी के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। इनका साइज भी काफी बड़ा होता है, एक आम का वजन 300 से 400 ग्राम के बीच होता है। जापान में यह आम अप्रैल से अगस्त के बीच होता है। लाल रंग के इस आम में एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा होती है, इनमें बीटा कैरोटीन और फोलिक एसिड भी प्रचुर मात्रा में होता है। यह आम स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक बताया जाता है, यही वजह है कि खरीदार इसकी मुहमांगी कीमत देने को तैयार रहते हैं। मियाजाकी इरविन आम का एक प्रकार है, जो कि पीले रंग के पेलिकन आम से अलग होता है, जिसे आमतौर पर दक्षिण पूर्व एशिया में उगाया जाता है। आम का करते क्या अब इतनी बेश कीमती? अभी तो कुछ नहीं करते हैं, जब इच्छा होता तोड़ के खाते हैं, नहीं तो पेड़ पे ही लगा रहने। अब इतना महंगा आम है जिसकी जिसे बाजारों में बेचा नहीं जाता बल्कि नीलामी होती है, तब अब इस आम का क्या करेंगे आप? अब देखते हैं क्या होता है आगे, अभी तक तो कुछ ऐसा कुछ हमारे पास तो कुछ आया नहीं है वैसा, अगर आएगा तो फिर देखा जाएगा।